नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम अपनी वही पुरानी परिचर्चा को लेकर के पुनः एक बार आपके मध्य में उपस्थित हैं और जो विषय है हमारा शनि का राशि परिवर्तन। आगामी 24 जनवरी 2020 को शनि का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, मकर राशि में शनि आएगा, तो उसका अन्य राशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारा जो विषय है वो यही है। मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस राशि के जातक को जीवन के किस किस क्षेत्र में क्या फल देगा। प्रायः ऐसा होता है कि या तो लोग उसको सकारात्मक उसमें लेते हैं या नकारात्मक उसमें लेते हैं, लेकिन हर चीज़ का दो पहलू होता है। अगर कोई ग्रह कहीं अच्छा फल दे रहा है तो वो कहीं बुरा फल भी देता है। इसी तरह से शनि के संबंध में भी है। फर्क इतना है कि शनि की जो अवधि है वो लंबी है, 30 मास रहता है, 2.5 वर्ष रहता है एक राशि में। तो अभी तक जैसे आप लोगों को ज्ञात है कि मेष से लेकर के धनु राशि पर्यंत हमने चर्चा की है कि क्या क्या प्रभाव कैसा रहेगा। आज हमारी जो राशि है वो मकर राशि है, कि मकर राशि के लिए मकर का ही शनि क्या फल देगा और उस जातक को, मकर राशि के जातक को जीवन के किस क्षेत्र में प्रभावित करेगा, कौन सा क्षेत्र उसका ज़्यादा प्रभावित होगा, कौन सा क्षेत्र कम प्रभावित होगा और कहाँ से लाभ होगा, कहाँ से हानि होगी। तो मकर राशि का जो शनि है वो जन्म का शनि होता है, प्रथम स्थान का शनि होगा और प्रथम स्थान जो है तन यानी शरीर का होता है और आत्मा का भी विचार किया जाता है। तो प्रथम स्थान में शनि के बैठने से व्यक्ति को मजबूती आएगी, स्थिरता, जीवन में स्थिरता आएगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा और साथ साथ में हो सकता है थोड़ा बहुत वाणी में भी दोष हो सकता है क्योंकि शनि की प्रवृत्ति है। लेकिन अच्छाई ये है उसके साथ में कि स्थिरता लाने की कोशिश करेगा, साथ ही जो इसकी दृष्टि होगी कर्क राशि पर होगी, सातवें भाव पर। सातवां भाव जीवन साथी का है, रोजगार का है, साझेदारी का है, तो चंद्रमा के घर को सातवीं दृष्टि से शनि देखेगा। तो इन चीज़ों में जातकों को, मकर राशि के लोगों को कहीं ना कहीं नकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। जैसे अगर मान लिया पति पत्नी का विवाद है तो वो बढ़ने की संभावना रहेगी, साझेदारी का कोई काम है तो उसमें भी सतर्क रहना होगा और साथ में अगर कोई पुराना विवाद इस तरह का चल रहा है तो उसमें भी सावधानी बरतनी पड़ेगी और साझेदारी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होगा क्योंकि उससे दिक्कत हो सकती है, हानि हो सकती है। इसके बाद में तीसरी जो दृष्टि शनि की है वो तृतीय भाव पर है। तृतीय भाव जो है पराक्रम का होता है, मीन राशि है, शत्रु दृष्टि होती है तो थोड़ा बहुत व्यक्ति के पराक्रम में भी कमी आएगी, आलस्य इत्यादि की स्थिति बनेगी। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ है मकर राशि के जातक के लिए वो यही है कि अगर कोई साझेदारी का कार्य हो तो उससे यथासंभव बचने की कोशिश करें और अगर पारिवारिक कोई विवाद हो, खास करके वो जीवन साथी के साथ में, तो उससे भी यथासंभव बचने का प्रयत्न करें। यद्यपि जो तीसरी दृष्टि है, मतलब दसवीं जो दृष्टि है वो तुला राशि पर पड़ेगी और तुला राशि दशम भाव का प्रतिनिधित्व कर रही है मकर राशि के जातक के लिए, तो थोड़ा बहुत मतलब पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति तो हो जाएगी लेकिन साथ में उसमें संघर्ष भी काफ़ी करना पड़ेगा क्योंकि शनि की दृष्टि है। तो कठिन कर्म जब आप करेंगे तो ही जा करके पद प्रतिष्ठा का लाभ मिल पाएगा।
कुल मिलाकर के जो मकर राशि का शनि का प्रभाव मकर राशि पर है, तीसरे भाव को प्रभावित करेगा, लग्न को प्रभावित करेगा, सप्तम को प्रभावित करेगा और दशम को प्रभावित करेगा। तो सप्तम से जो हानि होनी है वो हमने आपको बता दी, दशम से जो होना है वो बता दिया। साथ साथ में लग्न में बैठा हुआ शनि है तो हिला कोई नहीं पाएगा आपको, अंततः आपको कोई विचलित नहीं कर सकता है, लेकिन समस्याएं आएंगी और उनका निदान भी होता रहेगा। लेकिन खास करके अगर कोई इस तरह का साझेदारी का काम है तो उससे बचने का प्रयत्न ज़रूर करना चाहिए। यही है ओवरऑल शनि का मकर राशि पर प्रभाव। और पुनः एक बार निवेदन कि अगर इस जानकारी से आप संतुष्ट हों तो इसे आगे ज़रूर अग्रसारित करने का कोशिश करें और निरंतरता में हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अगर अगली राशि का निरंतरता में बने रहेंगे तो ही उसका लाभ मिल पाएगा, तो ही हो पाएगा। धन्यवाद।